कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए लेके आए हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। बच्चों, बॉन्डिंग जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि बॉन्डिंग होती क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ द बॉन्डिंग। तो आइए बच्चों जानते हैं ऑक्टेट रूल ऑफ लुईस। लुईस ने एक ऑक्टेट रूल दिया था। क्या होता है ऑक्टेट? मीन्स आठ। एवरी एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम शुड हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल टू बी स्टेबल। सर, हाइड्रोजन और हीलियम को दो एटम को छोड़ दें, बाकी सब एटम को स्टेबल होने के लिए उनके वैलेंस शेल में आठ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। दे शुड हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर आठ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अगर आठ नहीं हुए तो सर क्या होगा? अरे बच्चों, अगर आठ नहीं हुए तो वो लेस स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। और आप जानते हैं एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। सर, यही वो रीजन है कि एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका ऑक्टेट कभी भी पूरा नहीं होता है। तो सर क्या कभी ऑक्टेट पूरा होगा? अरे बिल्कुल होगा, लेकिन कैसे जानते हैं आगे। हाइड्रोजन एंड हीलियम शुड हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दैट इज नोन एज डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, और जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे डुप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं अदर एटम्स की। एटम्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल undergo reactions by means of bonding। बच्चों, बाकी जो एटम है वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, और वो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं by means of bonding। सर, एटम एटम आपस में बॉन्डिंग के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर सकें। नेक्स्ट है बच्चों कार्बन एटम। अब कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन कंपाउंड्स और कार्बन एलिमेंट हमको लेना पड़ेगा। कार्बन एटम्स कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग टू गिव ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट जो होता है इट गिव्स ओनली कोवेलेंट बॉन्डिंग। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एग्जांपल CH4 C2H6 C2H4 C2H2 C2H5OH CH3COH। सर, इन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, और इन सारे कंपाउंड्स में कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। आइए अब जानते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और कैसे बनती है। बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम। बच्चों, जो भी एटम कंबाइन होंगे उनके बीच इक्वल या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और बच्चों, इसको दिखाते हैं, सिखाते हैं सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको डबल कोवेलेंट को दिखाते हैं डबल हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ट्रिपल कोवेलेंट को दिखाते हैं ट्रिपल हॉरिजॉन्टल, यानी तीन हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं ट्रिपल को, दो लाइन से दिखाते हैं डबल कोवेलेंट को, और सिंगल लाइन से दिखाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। आइए जानते हैं कैसे बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड is formed by mutual sharing of one electron between combining atom. So, जो भी एटम आपस में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे उनको आपस में इक्वल शेयरिंग करना पड़ेगा एक एक इलेक्ट्रॉन का। एग्जाम्पल लिया है H2, Cl2, CH4 एटसेट्रा। बच्चों, इन सारे कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। आइए जानते हैं H2। बच्चों, H का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। आप देख पा रहे हैं, अभी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन और हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 होंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन यहां पर कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। सर, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में तो ये स्टेबल नहीं है, इसको डुप्लेट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं। तो होगा क्या कि जो एच है वो दूसरे एच के साथ कंबाइन करेगा केमिकल रिएक्शन में बाय मींस ऑफ बॉन्डिंग। सर, दो एच एटम आपस में केमिकल रिएक्शन करने वाले हैं, केमिकली कंबाइन होने वाले हैं, बॉन्ड बनाने वाले हैं। कौन सा? सिंगल कोवेलेंट। तो सर, ये देखिए, एक एच एटम दिखाया हुआ है यहां पर स्फीयर के थ्रू, और उसके अंदर रेड कलर से जो यहां पे डॉट बनाया हुआ है, रेड डॉट, इट इज शोइंग द
वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ये शो कर रहा है। अब ये दोनों एटम जो एच एटम है आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे क्लोज आते हैं सर, और उसके बाद कुछ हिस्सा एक दूसरे का ओवरलैप कर लेते हैं, ये दोनों के लिए यूज होता है। इस एरिए को ये एटम भी यूज कर सकता है और ये भी यूज करता है, क्लियर है? और तो आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा जो है ये ओवरलैप जोन है और ये दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पे मेंशन कर देता हूं बच्चों में, इसको बोलते हैं ओवरलैप एरिया। अब बच्चों इस ओवरलैप एरिया के अंदर शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले एच ने दिया, एक इसने दिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया। और सर देखिए यहां पे अगर मैं इसको कवर कर लेता हूं तो आप देखिए इस एच के पास दो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अगर कुछ देर के लिए मैं इस एच को कवर कर लेता हूं तो ये देखिए इसके पास भी दो हो गए। आप जानते हैं कि ये ओवरलैप जोन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों एटम यूज करते हैं, कॉमन होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, सो वी कैन से दोनों एच के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग हुई है इट इज डन बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो उसको सिंगल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं और इसको कंडेंस फॉर्म में H2 लिखते हैं, क्लियर? बात करते हैं बच्चों Cl2 की। Cl2 के लिए हमने Cl एटम लिया है, Cl एटम में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इससे कॉन्फिगरेशन होगा 287 और इसके वैलेंस शेल में सर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स लैकिंग वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो अब ये क्या करेगा, दूसरे Cl के पास जाएगा और देखिए ये Cl एटम है, ये दूसरा Cl एटम है। आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो रेड क्रॉस से दिखाया है दे आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले शेल के अंदर है वो हमने दिखाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब दोनों Cl एटम पास पास आएंगे और दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे सर, ओवरलैप कर लेंगे। देखिए दोनों ने ओवरलैपिंग किया और ये जो एरिया है ये ओवरलैप जोन कहलाता है, आप जानते हैं। और इस ओवरलैप जोन में ही शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा जाता है, ओवरलैप्ड एरिया या जोन जो आप कहना चाहें, इसमें ही शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इसने लिया, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब आप बताइए कि अगर कुछ देर के लिए आप इस वाले एटम को Cl एटम को कंसिडर करते हैं तो देखिए इसके पास कितने हो गए हैं सर, 8 हो गए हैं। अब कुछ देर के लिए बच्चों इसको कंसिडर कीजिए तो उसके पास भी 8 हो गए हैं। तो Cl ने क्या किया है बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इट इज शोड बाय Cl सिंगल बॉन्ड Cl और कंडेंस फॉर्म में इसको Cl2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे H2 और Cl2 में सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं जिसको सिंगल लाइन से शो करते हैं, क्लियर है आपको? एग्जाम्पल CH4 लेते हैं, CH4 में आप देख पा रहे हैं कार्बन के साथ 4 H कंबाइन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-4, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप देख पा रहे हैं कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 है। कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को अपना ड्यूप्लेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। CH4 में हमने यहां पे दिखाया हुआ है सेंट्रल एटम कार्बन है, इसके जो रेड डॉट्स दिखाया हुआ है दीज आर द 4 वैलेंस शेल ऑफ कार्बन और ये हाइड्रोजन है येलो वाला एटम, 4 एटम आए हैं एच एटम और उनके पास पर्पल से दिखाया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। अब ये ओवरलैपिंग करेंगे, 4 के 4 एच एटम जो है वो कार्बन के पास आएंगे और एक दूसरे कुछ हिस्सा कॉमन हिस्सा ओवरलैप कर लेंगे। तो ओवरलैपिंग के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई देगा और इस ओवरलैप जोन में कार्बन और हाइड्रोजन अपने म्यूचुअल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। आप जानते हैं हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पर्पल वाला है और कार्बन के पास रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले एच ने इस कार्बन के साथ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन किया, इससे आप देख पा रहे हैं एच का डुप्लेट पूरा हो गया है। अब इस वाले एच ने इस कार्बन के रेड वाले के साथ अपना पर्पल इलेक्ट्रॉन दिया और म्यूचुअल शेयरिंग किया एक इलेक्ट्रॉन का, तो आप देख पा रहे हैं एच के भी दो हो गए हैं। अब इसी तरह इस वाले एच ने और इस वाले एच ने भी म्यूचुअल शेयरिंग किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का। अब म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद ईच एंड एवरी एच हैज कंप्लीटेड इट्स ड्यूप्लेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है, उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। अब जरा कंसिडर कीजिए ये पिंक वाला कार्बन का जो ऑर्बिटल है, इसको कार्बन के ऑर्बिटल को जो कंसिडर कीजिए,
पिंक वाले को, तो आप देख पा रहे हैं दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से, दो यहां से। अगर कार्बन का देखें तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया है और कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस एच ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग किया था, यहाँ पे इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। इसको दिखाते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से, यानी सिंगल वर्टिकल लाइन से, ये हुआ CH4 के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं C2H6। बच्चों क्या मैं इसको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख सकता हूं? तो हाँ लिख सकता हूं। इसी तरह इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। तो बच्चों जब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये भी लुईस स्ट्रक्चर है, ये भी लुईस स्ट्रक्चर है, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर C2H6 में दोनों कार्बन ने आपस में क्या किया है सर, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये यहां पे नहीं दिखाया था, अब दिखा देते हैं। आपको पता है कि यहाँ जो व्हाइट क्रॉस से दिखाया हुआ है, सिंबल सिंबलाइज किया हुआ है, यहाँ पे आप जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं व्हाइट जो क्रॉस है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, और जो येलो डॉट से आप देख पा रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एच एटम। तो ईच एंड एवरी एच एटम, ईच कार्बन इज कैरिंग 3 H atom। बच्चों एक कार्बन ने 3 H के साथ बारी बारी से एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, फिर दूसरे कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और दूसरे वाले कार्बन ने भी रेस्पेक्टिवली 3 H के साथ इक्वल शेयरिंग किया है एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, तो बॉन्ड बनेगा सिंगल कोवेलेंट। इसी तरह ईच एंड एवरी ये H जो है, इन्होंने भी क्या किया सर, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है, तो बॉन्ड क्या बनेगा, सिंगल कोवेलेंट। क्या ये आपको क्लियर है? पॉज कीजिए, देखिए और बनाइए, सीखिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आपको सिखाया गया है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और डिफरेंट कंपाउंड्स में कैसे होती है। पॉज कीजिए, पेन लीजिए, पेपर लीजिए, ड्रॉ कीजिए, यू विल गेट द मास्टरी। बच्चों अब लेते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आइए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 electrons बिटवीन कंबाइनिंग एटम। बच्चों जो कंबाइन होने वाले एटम उनके बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग हुआ तो बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब लेते हैं एग्जांपल, O2 और C2H4 एग्जांपल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड के। ये डबल कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड से बच्चों O का एटम नंबर 8 होता है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 2-6। आप देख पा रहे हैं कि इस वैलेंस शेल में 6 electrons है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये अनस्टेबल होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगा और अदर एटम्स के साथ या सिमिलर एटम्स के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा स्टेबल मॉलिक्यूल, और वहां पर ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। अब बात करते हैं ओ, तो आपको पता है कि ओ के वैलेंस शेल में 6 electrons है, तो यहाँ पे देखिए ये पिंक से जो पिंक स्फीयर है, दे आर द 6 valence electrons ऑफ ईच ओ एटम। दोनों ओ एटम ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करते हैं तो ये कुछ हिस्सा एक दूसरे का कॉमन एरिया यूज करते हैं दोनों एटम, और इस ओवरलैप जोन में ही रखा जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हियर ईच एंड ओ एटम विल शेयर 2 electrons, तो 2 electrons ये वाला ओ देगा, 2 ये देगा, तो यहाँ पे देखिए 2 electrons इस वाले ओ ने दिए, 2 electrons ने दिए, तो ये कहलाएगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 electrons। अब यहां पर सर इसको देखिए, इस वाले को अगर देखते हैं, मैं इसको कवर कर लेता हूं, तो आप काउंट कर सकते हैं कि इस ओ के पास 8 electrons हो चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको कवर कर लेता हूं तो इस ओ के पास भी 8 हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओवरलैप जोन वाले इलेक्ट्रॉन दोनों ओ एटम यूज करते हैं। तो यहां पर आप देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं और ये बनता है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 electrons। बच्चों अगर N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये बना है बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 electrons। तो भाई बच्चों यहाँ पे एक एन के पास 7 electrons होते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके वैलेंस शेल में 5 electrons है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो एन क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन से पार्टिसिपेट करेगा ताकि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। तो यहाँ पे N2 के अंदर एक एन एटम दूसरे एन एटम के साथ कंबाइन होगा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 dots जो दिखाए हुए हैं स्काई ब्लू कलर से, दे आर रिप्रेजेंटिंग द 5 valence electrons। तो ईच एंड एवरी एन एटम इज going to react with their valence shell electron। बच्चों bonding में हमेशा valence shell के electron ही use होते हैं, ध्यान रखिएगा अंदर वाले electron use नहीं होते हैं, आप कहीं भी देखिए हमेशा valence shell के electron ही use होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा सर, each and every n atom will go for the mutual sharing of 3 electrons। ये वाला n atom, ये वाला n atom आपस में 3-3 electrons का sharing करेगा, और आप देख पा रहे हैं कि after the sharing of 3 electrons each and every n atom will get इट्स ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां पे देखिए इस एन के पास भी 8 हो गए हैं, 2 और 3, ये देखिए 3 3 6 हुआ, 2 कितना हुआ 8 हुआ, ये देखिए 2 3 5 और 3 8,
और इसको यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग हुआ है, तो ट्रिपल लाइन से शो करेंगे और कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे N2। तो बच्चों ये थे कुछ एग्जांपल, अभी दो एग्जांपल और बचे हैं C2H4 और C2H2। ये हमारे हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी बॉन्डिंग और देखते हैं। अब बात करते हैं C2H4 में। तो बच्चों C2H4 में एक कार्बन जो है वो 2H के साथ इक्वल शेयरिंग करता है एक इलेक्ट्रॉन की, और दूसरे अदर कार्बन के साथ शेयरिंग करता है दो दो इलेक्ट्रॉन की। तो आप देख पा रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड और HH के बीच बनेगा सिंगल कोवेलेंट। अब आप देखिए कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो चुका है 4, 2, 6 और 2, 8, और H का भी डुप्लेट पूरा हो चुका है, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। इस कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया है बाय मीन्स ऑफ डबल कोवेलेंट एंड सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ पे C2H4 में दो कार्बन जो है वो आपस में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और एच के साथ बनाते हैं सिंगल कोवेलेंट। क्लियर है? अब बात करते हैं सर C2H2 की। तो C2H2 में दो कार्बन 2H के साथ कंबाइन हो रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। तो ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन के जो रेड से दिखाया है, these are the valence electrons of carbon, और जो यहाँ पे ब्लू से दिखाया हुआ है, it is the electron valence shell electron of hydrogen। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, एक कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और दूसरे एच के साथ करता है एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे करी और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे करी। तो आप ही देख पाइए कि यहाँ पे शेयरिंग के बाद कार्बन के वैलेंस शेल में कितने हो गए। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 6 और 2 8 हो गए हैं। सिमिलरली दूसरे कार्बन में भी 6 और 2 8 हो गए हैं। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है तो उसको दिखाएंगे ट्रिपल लाइन से, और कार्बन और एच के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो दिखाएंगे सिंगल वर्टिकल लाइन से। बच्चों क्या यहाँ पे क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर हुआ आपको? सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट। पॉज कीजिए, पेन उठाइए, पेंसिल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। यू विल बी द मास्टर इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।